सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब एकदम मस्त मज़ेदार और आप चीक होंगे। तो आज अक्सर तो आ चुका है गाइस, उसने मेरे को बोला कि वो आ चुका है, लेकिन पता नहीं उस इंसान को बाल कटवाने में 2 घंटे निकल जाते हैं। अभी उसका काम लेंगे जब वो शाम को मिलेगा। मैंने उसको 7 बजे से फ़ोन किया है, वो बोलता है मैं बाल कटवाने बैठा हूँ, 20 मिनट में कॉल करता हूँ। अभी तक उसका कॉल नहीं आया और अभी 8:15 हो चुके हैं ऑलरेडी। तो कॉल उसने अब कैसे, यहाँ अब तो नहीं मिलना, रात को मिलेंगे, लेकिन कॉल वॉल करना उसको दूस पड़ी नहीं होगी। कॉल वॉल उसने किया नहीं और मेरे को तो मतलब ऐसा है कि शाम को जाओ बाहर तो थोड़ा अच्छा लगता है इस टाइम पे। तो अभी तक मैं गया नहीं था, मैं बैठा रहा, कॉल आएगा, उसका कॉल ही नहीं आया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अकेले ही जाता हूँ, वापस से कोई राउंड मार के वापस आ जाऊँगा। रात को तो आर्यन और सब आएंगे और रात को शायद बैडमिंटन भी खेलने वाले हैं हम लोग, तो बैडमिंटन भी खेलेंगे। मैंने सोचा मैं अकेला कुछ राउंड वाउंड मार के आऊँ गाने वाने सुनते सुनते, तो मैं जा रहा हूँ। निहार भुजा निकालता है यहाँ पे। चलो गणपति बप्पा मोरिया, बजरंग बली की जय, निहार भुजा निकालेंगे। सो गाइस अभी मेरा मॉन्क लामा के साथ कॉल चल रहा था, तो मैं अपनी जगह पे आके स्पॉट पे आके अकेला बैठा था और बातें बातें की मॉन्क भाई के साथ। मैंने बोला था मैं गोधरा जाने वाला हूँ, लेकिन आज हमारा गुजरा जाने का नहीं हुआ। और मॉन्क लामा से मैंने अभी बात की, तो मॉन्क लामा के साथ कोलैबोरेशन आएगा मेरा जल्दी ही, लेकिन वो थोड़ा काम में बिजी है इसलिए मैं थोड़े दिनों बाद जाऊंगा, वो जब बोलेंगे तब। अभी उनका फ़ोन आया, वो कल बाहर जा रहा है ऐसा ऐसा। तो मैंने सोचा हाँ तो कोई नहीं भाई, बाद में मिलते हैं फिर कोलैबोरेशन का करेंगे, मतलब वो जब फ्री हो जाए तब। तो वही कब से बात कर रहा था और बात करते करते 9 बज गए भाई, 1 घंटा निकल गया। तो मेरे को अब घर पे जाना पड़ेगा, खाना वाना खाना पड़ेगा। तो मैं हाय बुजा लेके जा रहा हूँ घर पे और फिर 9:30-10 बजे निकलेंगे, 9:30 बजे निकलेंगे आर्यन और सब। तो अक्षर को फ़ोन करूँगा, साले का फ़ोन तो आया नहीं, लेकिन आज उसका काम लूँगा मैं। तो मैं यहाँ से अभी तो निकलता हूँ, चलो हाय बुजा निकालता है, लेट्स गो। ये भाई अभी देखो अक्षर आया है, मेरे को लेने आया है, लेकिन अभी उसको घर के आसपास मेरे को कुछ बोलना नहीं है, हम लोग सेवा सदन पे जाके ही बात करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस फाइनली हम लोग अभी सेवा सदन आ चुके हैं चलने, और मैंने बताया था इस महान इंसान के बारे में कि इसका है ना फ़ोन नहीं लग रहा था और ये 2 घंटे से बाल कटवाने गया था, और देखो इसने बाल कटवाए। भाई रुक जा, ऐसे ही रुक जा, बता तेरे बाल कहाँ कटवाए तूने, बता ये बाल कटवाया तूने इतने। अबे भाई मैं गाइस मेरे को है ना क्या ही बोलूँ, मेरे को है ना इस इंसान पे इतना वो हो रहा है ना कि इसको मार के यहाँ पे मैं गाड़ दूंगा। अभी बाल कटवाए तूने, कहाँ पे बाल कटवाए भाई, किस एंगल से बाल कटवाए तूने, आनंद है नहीं, वरना अभी तेरी ले लेता वो कह के बिना कह के। हाँ तो सेट तूने सेट भी नहीं करवाए भाई, चलना भी नहीं है इसको, देखो बोलता है मेरे से नहीं चले जाएगा। भाई तू कुछ काम का ही नहीं है भाई, निकम्मा है तू। और मेरे को बोलता है मैंने 2 फोन किए, उसने 2 फोन किए, मेरा मॉन्क लामा के साथ बात चल रहा था, मैंने बताया व्लॉग में, लेकिन ये बंदा फोन भी मेरे को 8:30 बजे फोन करता है, 8:30-8:30 बजे। अब वो तो कहीं टाइम है बाहर जाने का, बाहर जाने का टाइम होता है 7:30-7:30 बजे तक, या तो फिर 7:45 बजे तक। तू फोन करता है मेरे को 8:30 बजे, भाई आधे घंटे में आ जाएंगे क्या, 9:30-9:30 बजे खाना होता है अपना, तो 9:30 बजे खा। नहीं भाई अब तो मेरा टाइम बदल गया, मैं 9:30-9:30 बजे तक खा लेता हूँ। मैं आज भी मैं 9:30 बजे खाने बैठा था, और ये फिर इसने 9:45 बजे, 10-15 मिनट लगती है, और इसने फिर 9:45 बजे मैंने इसको मैसेज किया, इसका मैसेज आया था, तो मैंने मैसेज किया इसको, इसका मैसेज 8:15 को आया था, लेकिन फिर मैंने देख के मैसेज किया कि भाई मैंने फ़ोन किए थे तूने उठाया ही नहीं, उठाए नहीं, इसके लग नहीं रहे थे, पता नहीं, मैंने बोला था ना नंबर वाला, इसके नंबर सब ऐसे घूमे नंबर है, इसके अंडरग्राउंड हो गया है, तो इसके नंबर है ना ऐसे ही चलते रहते, किसी को नंबर नहीं देता है वाला, और दिया वो नंबर मेरे से लगा नहीं, फ़ोन नहीं आया, और अब बोलता है कि पुराने वाला नंबर चालू हो गया है, तो वही नंबर पर फ़ोन कर, बोल अब। कुछ नहीं बोलना मेरे को, क्या बोलूं, दे इसके पास अब बोलने के लिए भी किस बचा नहीं है भाई। मैं 2 दिन से अकेला घूम रहा था, लेकिन साले मेरे दोस्तों को पड़ी ही नहीं है कि भाई तू अकेला घूम रहा है, हम लोग आ जाते हैं तेरे साथ घूमेंगे, ये लोग अकेले घूम ले, मेरे को भी नहीं पूछा कि चल भाई घूमने जाते हैं, अकेला घूम के भी आ गया। अब मैं जाऊंगा अकेला घूमने, और फिर तू देखना, मैं जाने वाला हूँ भाई इस महीने में मैं शायद जाने वाला हूँ, मैंने बोला था जिगर और हम लोग, लेकिन अभी मेरा कुछ प्लान फिक्स नहीं है,
लेकिन मैं जाऊंगा ना, इसलिए तू फिर मेरे को तुम तो नहीं करोगे भाई मिस, तुम्हारे में अंदर इमोशन ही नहीं है भाई। मेरे अंदर इमोशन है, मैं अपने दोस्तों को मिस करता हूँ, ये सारे लोग मेरे को कभी मिस ही नहीं करते। ये तो फ़ोन भी नहीं करता मेरे को विद्यानगर होता हो तो। अभी आनंद भी थोड़े बहुत फ़ोन करता है, तू तो सारे फ़ोन भी नहीं करता, कुछ काम का नहीं है भाई। फोन क्या, जिसके कनेक्शन दिल से दूर है वो कॉल करते हैं। देखो ये बटन लगा रहा है भाई, अभी इसके पास पूरी बटन की दुकान है। दिल से कनेक्शन दूर होते हैं वो फ़ोन करते हैं भाई। तेरे तो कनेक्शन ही नहीं रखना मेरे को अब साले, तू अपना फ़ोन वोन बेच दे और तू घूम घूम कर अकेले, और मेरे को है ना फ़ोन मत मत करना। हाँ तू दीक्षा ले ले और बाहर बैठ जा एकदम हिमालय में जाकर, ठीक है। ये गाइस अभी कोई नहीं, वो सब बातें साइड में रखते हैं, अभी आया है तो चल लेंगे। आर्यन तो आया नहीं, वो कोई शादी में गया है, वरना उस मोमे को देखने देख के हंसने में भी एक अलग मज़ा है। वो अभी आएगा तो रात को आएगा शायद, तो रात को मतलब देर 10:30 बजे के बाद आएगा, पता नहीं उस टाइम पे मिल जाए उसको, देखते अभी क्या होता है। अभी तो चल रहे हैं भाई, ब्लर फोकस क्यों नहीं हो रहा भाई। अच्छा ये हुआ, देखो बहुत ही मस्त रोड है हमारे लुनाड़ा सेवाचरण का, और हमने अपना 11th 12th ये वाले रोड पे ही गुजारा है हम लोग। एक कैसे थे पता है, छपरी तो नहीं बोलते लेकिन एकदम गैम्बलर भी नहीं बोलते, लेकिन घूमते फिरते मुसाफिर की तरह यहाँ पे घूमते रहते थे। ट्यूशन तो जाता था भाई मैं, तू बंक मारता था, मैंने कभी कभी बंक मारा है, लेकिन ये लोग तो साले बहुत बंक मारते थे। स्कूल में तो बहुत बंक मारा गाइस, स्कूल में तो हम बंक मार के भाग जाते थे किसी मस्त जगह पे, तालाब नदी वाली जगह पे बैठते थे, केरधरा जाते थे। हाँ भाई कोई नहीं भाई, उसमें क्या जाते थे अब थोड़ी कुछ याद होगा, अब थोड़ी कोई कुछ बोलेगा। कोई नहीं भाई, अभी चलते हैं थोड़ा, आर्यन बारेन आएगा फिर मिलते हैं उन लोगों से। और आज तो बैडमिंटन खेलने वो लोग आने वाले थे लेकिन अभी आए नहीं है, हर्ष वो लोग कल मिले थे वो, लेकिन आएंगे तो उनसे भी मिलेंगे। वो क्या जाना है भाई, तेरी शादी है क्या? बुलाऊंगा सबको, बुलाऊंगा ब्लॉग में मेरे सारे व्यूवर्स को बुलाना, ठीक है। तो गाइस अक्षर की शादी का आमंत्रण मैं अभी से दे रहा हूँ, सब लोग आ जाना, ठीक है। आ जाएंगे भाई सब, खाना वाना सब सही में कर देना, ठीक है। चार साल बाद अभी इतनी जल्दी, मेरे को लगा 5-6 साल बाद लग जाएंगे। हाँ ऐसा हाँ, पहले कमाना पड़ेगा है ना। हाँ चलो गाइस अभी चलते हैं थोड़ा। हाँ कृतार कैसा है भाई? बस बढ़िया भाई। तो तू ये इतना छुप के क्यों रहता है भाई? आज तो तू कूल दिख रहा है, सेक्सी है इसलिए। हाँ भाई तू ऐसा मत कर, पर उसको पीछे से भाई रहने दे। क्या क्या कर रहा है भाई? हाँ कैसा है भाई, मजा ना भाई? ब्लॉग नहीं ब्लॉग आर्यन का बचपन का फोटो मेरे पास अभी तो लैपटॉप में होगा, लेकिन मैं डालूंगा तो आप बोलोगे कि आर्यन बचपन में कैसा था, और अभी देखो एकदम हल्क बॉडी बन चुका है, स्पॉटिफाई बॉय, बार्सिलोना टीम है इसकी, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। ये क्यों आया भाई इधर, तूने डाले? ये ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तेरे को है ना स्वर्ग में जगह मिलेगी, तेरे को तो नहीं मिलेगी भाई, तू यहाँ पे ही बैठ जा भाई। नहीं नहीं तू मेरे साथ, तू मेरे साथ नरक में भूख दे भाई, चल। तू क्या बेच रहा है भाई, तेरे को तो नरक में भी नहीं लेंगे साले, इतने पाप किए तूने। सही में भाई तेरे को ना नरक में भी नहीं लेंगे। पंछी बन उड़ते फिर परियों के साथ होगा, परियों के साथ होगा, यू बोल रहा है भाई, तेरे को ही परी बना देंगे भाई तेरे को भी। क्या निशा गुर्गेन कौन है ये? कैसे कैसे भाई? नहीं तेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा मेरे को। गाइस हम तीन लोग अभी है ना सोनेला आए हैं, सोनेला एक जगह करके सोनेला देखो अभी इस खड्डे में डाल लेना, गाड़ी चलाने नहीं आती है। यहाँ पे मैच चल रही है भाई, माहौल स्टेडियम पे। वो भाई बाहर बॉल जाए भाई, जा जाने दे बॉल, हम बहुत छोटा ग्राउंड है। देखो गाइस मैच चल रही है यहाँ पे,
एक और चौका। इस ओवर में 3 छक्के और 2 चौके आए। 8 ओवर की समाप्ति। हम लोग अभी कॉटेज हॉस्पिटल में आए हुए हैं सोनेला से जाकर, बाहर सोनेला से मैच देख के आ गए, वहाँ पे मजा नहीं था। और अभी यहाँ पे हमारे वो कपिल अंकल है ना, उनको कुछ एड किया, एडमिट किया है हॉस्पिटल में, इसलिए हम लोग उनको देखने आए हैं, मतलब कुछ लगा है उनको, इसलिए मैं आर्यन और अक्सर आए हुए हैं एक अंकल को देखने। अभी हम लोग को स्मित भाई और कृपा भाई मिले, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया बढ़िया ना। और अभी हम लोग घर पे जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, हमें हमारे कॉटेज में काम था वो ख़त्म हो चुका है, और अभी हम सब छूटे पड़ रहे हैं यहाँ से। क्या सर? आप दोनों तो हमारे साथ ही चलोगे ना? हाँ तो हम तो जाते हुए साथ जाएंगे ना भाई, तेरे को तो हमें ड्रॉप आउट करना पड़ेगा आज, मैं करूँगा। हाँ भाई, हाँ भाई चल मिलते हैं। हाँ चल भाई, जय श्री राम। चलो हम लोग जा रहे हैं अभी, चलो गाइस मिलते हैं, तुम इसको ड्रॉप आउट कर देना ठीक है। चल जय गणेश, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे, बजरंग बली की जय, गणपति बप्पा मोरिया। और अभी ऊपर जाएंगे, थोड़ी देर अपना काम वाम करेंगे और फिर आराम करेंगे। धीरे से खुलना पड़ेगा वरना पापा जग 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 बहुत आवाज करता है ये गेट। तो गाइस अभी देखो मैं रिकॉर्ड करने बैठा हूँ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने बज रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 बजने को आए हैं और मैंने अभी सेटअप किया क्योंकि मैं एक रिमिक्स लिख रहा था, गॉड आई एम थैंक यू फॉर सनशाइन, थैंक यू फॉर रेन, थैंक यू फॉर लव, थैंक यू फॉर पेन, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, तो उस गाने के ऊपर मैं एक रिमिक्स बना रहा हूँ, 2-3 दिन में इंस्टाग्राम रील्स पे डालने वाला हूँ मैं और शायद यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी। तो इसलिए मैंने इसको अभी लिखा, मेरे को लिखने में थोड़ा टाइम लगा, फिर मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया और अब मैं रिकॉर्ड करने बैठ रहा हूँ और फिर कल मैं इसको मिक्स मास्टर वगैरह करने बैठूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अभी अपना काम भी करते हैं थोड़ा।